चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास की टॉपिक है फाइलोटैक्सी, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस तो हम लोग एक मार्किंग कर लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। नाउ फ्लावर्स किस पर अरेंजमेंट होते हैं? फ्लावर्स अरेंजमेंट होते हैं ऑन, इसको कहते हैं पेडांकल। दिस इज, यस एक सेकेंड, ओके। अरेंजमेंट किस पर होते हैं? अरेंजमेंट होते हैं पेडांकल के ऊपर। नाउ व्हाट इज दिस पेडांकल? पेडांकल किसको कहेंगे? पेडांकल हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर्स। ये आपका फ्लावर है, स्टॉक, ये आपकी फ्लावर है। और फ्लावर का इस ये होल्ड करके रखते हैं, फ्लावर को जो होल्ड करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पेडांकल। ये आपका पेडांकल है। पहले मोटे मोटे तौर पे समझ लो, इन्हें रफ लैंग्वेज में समझ लो पेडांकल। अब फिर बाद में जाके इसकी क्या नाम है, नाम इधर उधर थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको कहेंगे पेडांकल। और मदर एक्सिस भी कह सकते हैं हम इसको, इसको क्या कह सकते हैं, मदर एक्सिस। दि स्टॉक ऑफ द फ्लावर पे, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट होते हैं उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। नाउ इनफ्लोरेसेंस प्लांट के ऊपर जो है वो दो टाइप की है। सो इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप, हम लिखेंगे इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप। क्या टाइप है? टाइप इज कॉल्ड एज रेसमोस, रेसमोस, एंड अदर इज कॉल्ड एज साइमोस, साइमोस। सो दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, एक है रेसमोस और अदर है साइमोस। नाउ व्हाट इज दिस रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? रेसमोस इन ए वन वर्ड हम दोनों को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेसमोस में क्या होता है, इनडेफिनाइट ग्रोथ। रेसमोस टाइप की फ्लावर में और रेसमोस टाइप की प्लांट में, प्लांट हैज इनडेफिनाइट ग्रोथ। इनडेफिनाइट ग्रोथ। अब ये इनडेफिनाइट ग्रोथ क्यों है? क्योंकि देयर इज नो टर्मिनल फ्लावर। तो रेसमोस टाइप की प्लांट में ये होता है, प्लांट हैज नो टर्मिनल फ्लावर। अब ये किस टाइप की है आप एक बार देखो, रेसमोस में कोई टर्मिनल फ्लावर नहीं होता है, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? रेसमोस में क्या होता है,
फ्लावर प्लांट में जो है इनडिफिनाइट ग्रोथ बिकॉज देयर इज नो टर्मिनल फ्लावर. सो फ्लावर कहां पर ही बॉर्न होगा? सो द फ्लावर इज बॉर्न लैटरली. फ्लावर कहां पर ही होगा? नाउ द फ्लावर बॉर्न लैटरली. अब ये इनिशियल पॉइंट में बता रहा हूं, एकदम इनिशियल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं. सो लेट अस लुक एट द पिक्चर. पिक्चर को नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा. सपोज ये आपकी एक प्लांट है, यहां पर ये आपकी लीफ है, ठीक है, यहां पर ये आपकी लीफ है ये. नाउ इसी जगह पे आपका फ्लावर बॉर्न होगा, ठीक. हम इसको बताते हैं फ्लावर, यहां पर ही है, यहां पर ही आपकी फ्लावर है. फिर दूसरी जगह पे इस पे इस टाइप की ब्रांच हो सकते हैं और यहां पर ही आपकी फ्लावर, यहां पर ही आपकी फ्लावर हो सकते हैं. ये टर्मिनल नहीं है, ये मदर एक्सिस है. दिस इज द मदर एक्सिस, दिस इज मदर एक्सिस, राइट. इसी जगह पे प्लांट अगर देखेंगे तो प्लांट ये आगे बढ़ता चलेगा और जैसे जैसे प्लांट आगे बढ़ेगा तो प्लांट में इस तरह का फ्लावर आएगा. चलिए इस तरह की देखते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड लैटरल जगह में फ्लावर आ सकता है, ठीक है, इस टाइप की फ्लावर आ सकते हैं. तो प्लांट आपकी ग्रो कर रहे, इसी के बीच बीच में आपकी लीफ भी है, इसकी बीच बीच में लीफ हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहां पर ही आपकी प्लांट इज ग्रोइंग इनडेफिनेटली एंड फ्लावर्स आर इन द टर्मिनल साइड, ठीक है. फ्लावर टर्मिनल साइड में है, इसके 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 इस एरिया में लीफ हो सकता है, फिर ये लीफ ग्रो करेगा, इसमें इस तरफ का लीफ हो सकता है, ये ग्रो करेगा, फिर यहां पर लीफ हो सकता है, ये लीफ हो सकता है. लेकिन फ्लावर जो है वो टर्मिनल पे होगा. बार बार बोलने से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाते. तो रेस्मोस का इस तरह का डेफिनेशन है. तो जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन हम लोग लेंगे. वी विल टेक द जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन. ऑपोजिट डेफिनेशन का मतलब क्या है? ऑपोजिट डेफिनेशन में वी विल लुक दैट प्लांट हैज डेफिनाइट ग्रोथ. ऑपोजिट डेफिनाइट ग्रोथ. नेक्स्ट इज प्लांट हैज टर्मिनल फ्लावर. प्लांट में टर्मिनल फ्लावर होगा. सो इसका पिक्चर किस तरह का होगा? इसकी पिक्चर अगर आप देखो तो इसी जगह ये प्लांट है, ये आपकी लीफ है, ठीक है, ये आपका लीफ है, ठीक. इसका यहां से ब्रांच है, इसकी यहां से ब्रांच है, फिर यहां से ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है. अब इसमें भी लीफ होगा, इसको बिना लीफ का क्यों रखे, इसमें भी आपका लीफ होगा, ठीक. अब इस कंडीशन में क्या होगा? कंडीशन में इस प्लांट का इसी जगह से टर्मिनल फ्लावर होगा, इसकी कोई भी इस जगह पे टर्मिनल फ्लावर होगा, यहां पर इसके टर्मिनल फ्लावर होगा, टर्मिनल फ्लावर होगा, ब्रांच होगा, फिर भी इसके टर्मिनल फ्लावर होगा. तो यहां जैसे जैसे टर्मिनल फ्लावर में ग्रोथ रुक जाएंगे, उसी जगह से फिर नया ब्रांचेस शुरू हो जाएंगे, फिर नया ब्रांचेस होगा, यहां लीफ होगा, यहां लीफ होगा. सो ये टाइप की, इस टाइप की कंडीशन को कहेंगे साइमोस इनफ्लोरेशन. क्या कहेंगे? साइमोस इनफ्लोरेशन. सो दिस इज द वे द प्लांट हैज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, ठीक है. प्लांट के ऊपर इस टाइप का अरेंजमेंट है. अब हम लोग चलेंगे इन डिटेल्स ऑफ द रेस्मोस में. रेस्मोस में हम लोग डिटेल चलेंगे और रेस्मोस के बारे में हम लोग ये बताएंगे कि सी, लेट अस लुक एट द रेस्मोस.
रेस्मोस में कुछ टाइप है, रेस्मोस में पहला टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज ए, याद करना, पहला टाइप है ए। इसमें क्या होता है? मेन एक्सिस इज इलॉन्गेटेड। सही बात है, मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड होगा, मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड, मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड होगा, इसको कहते हैं रेस्मोस विथ लॉन्ग पेडंकल। किसी किसी कंडीशन में अगर मेन एक्सिस समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आएगा कि लॉन्ग पेडंकल होगा इसमें। लॉन्ग पेडंकल की एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये आपका पेडंकल है, तो ये आपका फ्लावर है, ये मेन एक्सिस नहीं है, ये आपकी पेडंकल है, ये फ्लावर का लॉन्ग स्टॉक, तो इसको कहेंगे लॉन्ग स्टॉक कहेंगे, ये तो नजर आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा दूसरा कंडीशन ये है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस शॉर्टेंड, यानी कि रेस्मोस विथ शॉर्ट पेडंकल। क्या पेडंकल है? शॉर्ट पेडंकल। सो रेस्मोस विथ शॉर्ट पेडंकल। शॉर्ट पेडंकल का एग्जाम्पल कैसे देंगे? शॉर्ट पेडंकल मतलब ये छोटे, ये देखिए फ्लावर का ये मेन स्टॉक जो है शॉर्ट स्टॉक। होप यू अंडरस्टैंड, ये लॉन्ग स्टॉक वाले हैं, ये शॉर्ट स्टॉक वाले हैं रेस्मोस का। अब हम लोग आएंगे मेन एक्सिस विथ मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड, यानी कि लॉन्ग स्टॉक टाइप किस टाइप के होंगे? चलिए लॉन्ग स्टॉक टाइप को देखते हैं। लॉन्ग स्टॉक यानी कि मेन एक्सिस जो है वो इलॉन्गेटेड है। मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड है, इसमें दो तीन टाइप के हैं, दो तीन नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही है। पहला है रेसिमी, इसको क्या कहते हैं? रेसिमी। रेसिमी का मतलब क्या है? रेसिमी का मतलब है मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड होगा और फ्लावर जो होगा पेडिसिलेट होगा। बहुत ही आसान, बहुत आसान है। बहुत ही आसान है, इलॉन्गेटेड होगा, इलॉन्गेटेड स्टॉक होगा और फ्लावर पेडिसिलेट, फ्लावर पेडिसिलेट। अभी अभी ये जो आपने अभी मैंने आपको ड्रॉ जितना किया था ना, यही आपकी रेसिमी टाइप का है, यानी कि इस टाइप का। अगर हमने इस टाइप, अच्छा ये स्टेम मैंने बताया, तो स्टेम का ये क्या होगा कि इसका जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर है ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है। स्टॉक ऑफ द फ्लावर जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, देखिए ये, ठीक है? सो दिस इज अ कॉल हैज रेसिमी टाइप का, यानी कि फ्लावर जो है उसको पेडिसिलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडिसिलेट कहेंगे, यानी कि इस टाइप की फ्लावर को या इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे रेसिमी। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहेंगे रेसिमी। इसकी एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत आसान है, एग्जाम्पल है सबसे पहले लक्षपुर, लक्षपुर, उसके बाद है मास्टर्ड, सरसों, मास्टर्ड, इस टाइप की है, और भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है? हम दो ही एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हो सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं पाइक, पाइक,
बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मेन एक्सिस तो इलॉन्गेटेड है ही, इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर ही क्या है कि फ्लावर्स आर सेसाइल, फ्लावर्स आर सेसाइल, बार बार मैं कहता हूं कि नॉन पेडिसिलेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे सर फ्लावर्स आर नॉन पेडिसिलेट, नहीं, इसको कहते हैं फ्लावर्स आर सेसाइल। एग्जाम्पल, ये आपकी सपोज स्टेम है और इसमें फ्लावर इस टाइप की है, आप देख सकते हो फ्लावर इस टाइप की है, सो पेडिसिलेट है ही नहीं इसमें, डू यू अंडरस्टैंड, इस टाइप की है, सो इसको कहते हैं सेसाइल फ्लावर, नॉन इसमें पेडिसिलेट नहीं है, फ्लावर सर सेसाइल, जिसको कहते हैं स्पाइक अरेंजमेंट, स्पाइक अरेंजमेंट, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल में आएंगे, एग्जाम्पल इज एकिरेंथिस, एग्जाम्पल इज एकिरेंथिस, एकिरेन और एकिरेंथिस भी बोलो, आसान होगा एकिरेंथिस। नंबर चार, सॉरी नंबर तीन, नंबर तीन पे आएगा कैटकिन, नंबर तीन पे होगा कैटकिन, कैटकिन में क्या होता है, स्पाइक जो है, ठीक है, स्पाइक यानी कि अब इसको कहेंगे जैसे पेडिसिलेट कहेंगे और पेडंकल कहेंगे, सॉरी पेडंकल कहेंगे, पेडंकल इज पेंडुलस, पेडंकल बोलो, पेडिसिल बोलो, इज पेंडुलस, पेंडुलस, पेंडुलस जैसे पेंडुलम होल्डिंग होते हैं पेंडुलम, सो इस टाइप की होगा, जैसे ये आपका टेम है, सो यहां से आपकी ये निकल के आएंगे, ठीक है, और इस टाइप की फ्लावर इस टाइप का अरेंजमेंट में होता है, तो ये है आपकी कैटकिन टाइप का, कैटकिन, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल होगा मलबेरी, इसकी एग्जाम्पल होगा मलबेरी, सो ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर आपको अगर ये वाला फ्लावर नहीं समझ में आता है तो मैं इस टाइप की फ्लावर बताऊं, इस टाइप की नीचे की तरफ आते हैं फ्लावर, ठीक है, सो इस टाइप की फ्लावर जो है, इसके एग्जाम्पल है मलबेरी, और इस टाइप की फ्लावर को कहते हैं कैटकिन टाइप, ठीक है, कैटकिन। अब हम लोग बात करेंगे पैडिक का, पैडिक, तो चार नंबर पे आएंगे पैडिक, नाउ पैडिक्स किस टाइप के होते हैं, पैडिक्स ये टाइप का होता है, स्पाइक जो है वो फ्लैशी है, इसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर रहते हैं, एक बार पहले ड्रॉ करेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा, ये आपकी फ्लावर है, ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हो, ये पीछे का जो है ये आपकी कवरिंग लीफ है इसका, ठीक है, ये इसकी कवरिंग लीफ है, और
ये सामने का जो है ये एक फ्लैशी एक्सिस है, तो हम ये कह सकते हैं स्पाइक इज फ्लैशी स्पाइक विथ फ्लैशी एक्सिस हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, ये है आपकी स्पाइक, और इट इज कवर्ड बाय अ लार्ज ब्रैक्ट, कवर्ड बाय लार्ज ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट ये है, ठीक है। इस कवर जो लार्ज ब्रैक्ट है इसको कहते हैं पैथे, इसको क्या कहते हैं पैथे। ठीक बिल्कुल स्टार मार्क कर देता हूं, इसको कहते हैं पैथे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मूसा। मूसा, मूसा कभी देखे हो? हेलो मूसा क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज मूसा? हेलो स्टूडेंट, व्हाट इज मूसा? बनाना। बनाना का जो फ्लावर निकलते हैं, बनाना का जो फ्लावर निकलते हैं उसको कहते हैं पैडिक्स। उसकी जो ब्रैक्ट है ब्राउन कलर का पर्पल कलर का होते हैं उसको कहते हैं पैथे, और उसके अंदर आपकी छोटे छोटे मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। आपने ये बहुत जगह में ये मूसा का स्पैडिक खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोगों ने कभी मूसा का स्पैडिक खाया? आपने खाया कभी मूसा का? ये वो होता है मूसा का स्पैडिक। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कम कम टू दी एंड पॉइंट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज स्पाइकलेट, इसको कहते हैं पाच, इसको कहते हैं स्पाइक लेट। जहां पर ये लेट वर्ड यूज हो रहा है ना, लीफ लेट स्पाइक लेट, यानी कि छोटे छोटे स्पाइक, यानी कि छोटे छोटे स्पाइक है, ठीक है, इसको कहते हैं स्पाइक लेट। ये स्पाइक लेट किस टाइप के होते हैं? स्मॉल स्पाइक विथ मेनी फ्लावर्स आर फ्लोरेट। सो स्मॉल स्पाइक विथ मेनी स्मॉल मेनी फ्लोरेट, फ्लोरेट्स मतलब छोटे छोटे फ्लावर, फ्लोरेट। सो स्पाइक विथ मेनी फ्लोरेट, छोटे छोटे स्पाइक है, यानी कि स्पाइकलेट भी कह सकते हो, उसके साथ छोटे छोटे फ्लावर है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर आप देख सकते हो इस टाइप की होंगे, ये स्मॉल स्पाइक होगा, इस टाइप के होंगे और छोटे छोटे एक जगह में बहुत सारे इस जगह में होगा। एग्जाम्पल है जैसे वीट, राइस, ठीक है, इस दो का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन हम लोग ये दो एग्जाम्पल लेंगे, दो बेस्ट है। सो
स्पाइकलेट इसमें, इसको कहते हैं स्पाइकलेट, ठीक है। नाउ ये हो गया आपकी मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड विद द, क्या है मेन एक्सिस इलोंगेटेड, दैट मीन्स रेस्मोस विद द लॉन्ग पेडांकल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने पिक्चर ड्रॉ किया ही था, स्पाइक फ्लावर विथ सेसाइल, इसका एक बार हम लोग और भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग ड्रॉ कर लेते, ये है और यहां पर ही फ्लावर है, ये इस टाइप के एग्जाम्पल है, ठीक है इसको, तो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक। ये हो गया कैटकिन जो कि पेंडुलस टाइप का है, ये है रेसिमी यानी कि लॉन्ग स्टॉक वाला है, पैडिक्स हो गया आपका कॉवर्ड, पैडिक्स हो गया कॉवर्ड, और कैटकिन हो गया छोटे छोटे स्पाइकलेट के ऊपर आपके छोटे छोटे फ्लोरेट्स अरेंजमेंट होंगे, छोटे छोटे कैट स्पाइकलेट के ऊपर छोटे छोटे फ्लोरेट्स का अरेंजमेंट होगा, वो होगा आपका रेस्मोस टाइप का। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये था आपका ए वाला पार्ट, नाउ वी विल कम टू दी बी पार्ट, ठीक है, वी विल कम टू द बी पार्ट। बी में क्या है, ऑब्वियसली मेन एक्सिस इज शॉर्ट एंड, मेन एक्सिस शॉर्ट एंड होगा, ठीक है, मेन एक्सिस शॉर्ट एंड होगा, चलते हैं। मेन एक्सिस शॉर्ट एंड मतलब रेस्मोस विद द शॉर्ट पेडंकल, रेस्मोस विद शॉर्ट पेडंकल, ये बी रेस्मोस विद शॉर्ट, रेस्मोस विथ शॉर्ट पेडंकल, इसका टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज कॉरिम्ब, कॉरिम्ब, CORYMB, कॉरिम्ब, इसको क्या कहते हैं, कॉरिम्ब। कॉरिम्ब में क्या होता है, मेन एक्सिस इज शॉर्ट और फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स हैव मच लॉन्गर पेडिसल्स, ठीक है, मेन एक्सिस इज शॉर्ट बट द फ्लावर्स हैव द लॉन्गर पेडिसल्स, ओके, किसमें, लोअर फ्लावर, सो मेन एक्सिस इज शॉर्ट। इसमें क्या है, लोअर फ्लावर लोअर फ्लावर हैज लॉन्ग पेडिसल एंड अपर फ्लावर हैज शॉर्ट पेडिसल, अपर फ्लावर हैज शॉर्ट पेडिसल, लेट अस लुक एट द पिक्चर, दिस इज मे बी दी मेन एक्सिस, दिस इज दी मेन एक्सिस, क्या है ये, मेन एक्सिस, ओके, एक्चुअली मेन एक्सिस ये नहीं है, ये एक्चुअली स्टेम है, इसको हम लोग स्टेम ही बताते हैं, तब तो पिक्चर अच्छे से ड्रॉ होगा, ये स्टेम है। नाउ ये आपकी मेन एक्सिस है, ये शॉर्ट है,
ये आपका शॉर्ट है। अब ये मेन ब्रांच है, मेन स्टेम का जो ब्रांच है वो वाला बात कर रहा हूं, स्टेम की पार्ट है ये आपकी, यहां पर ही आपका मेन एक्सिस हो रहा है, ये आपकी शॉर्ट है। इसमें लॉन्ग पेडिसिल्स होगा लोअर वाले में, यानी कि लोअर फ्लावर में होगा लॉन्ग, इसमें थोड़ा छोटा, इसमें थोड़ा छोटा, इसमें थोड़ा छोटा, इसमें थोड़ा छोटा, ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा। सो यू कैन सी धीरे धीरे ये पेडिसिल जो है वो छोटा छोटा होते जा रहा है। फ्लावर की साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, फ्लावर की साइज सब ठीक है, फ्लावर अभी ये सब नहीं पड़ेंगे, फ्लावर की साइज ठीक है, लेकिन बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है ये एक्सिस का, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का, ये देखो सर, ये कैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। नाउ इट लुक्स लुक्स लाइक दैट, शॉर्ट हो रहा है, ये लॉन्ग है और यहां पर ये आते आते ये शॉर्ट हो गया। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कोरिम्ब, ठीक है, इस टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं कोरिम्ब। कोरिम्ब का, कोरिम का एग्जाम्पल क्या होगा, कोरिम का एग्जाम्पल होगा कैंडी टफ्ट, कैंडी TUFT, कैंडी टफ्ट कोरिम का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा दूसरा है आपका अम्बल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अम्बल। अम्बल का मतलब क्या है, अम्बल का मतलब है मेन एक्सिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड। अब जो मेन एक्सिस है वो ज्यादा ही रिड्यूस है, पहले क्या था, मेन एक्सिस इज रिड्यूस्ड, अब इसमें क्या है, मेन एक्सिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, मेन एक्सिस जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस है, ठीक है, मेन एक्सिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड। अब अगर मेन एक्सिस वेरी मच रिड्यूस होगा तो पिक्चर कैसे बनेंगे, बाकी तो सारे ठीक है, बाकी तो सारे हम लोग बताएंगे, ओके। अब इसमें क्या है, ये दिखता ही नहीं है, मेन एक्सिस जो है इस टाइप का है, ठीक है, सो ये इसकी कंडीशन है। सो मेन एक्सिस को देखो, ये मेन एक्सिस, ठीक है, और ये पेडिसिल बता रहा हूं, पेडिसिल, सो मेन एक्सिस जिसको हम लोग पहले भी कह चुके हैं पेडांकल। तो आप देखो, अच्छा इसको बता के फिर मैं बताता हूं कि मेन एक्सिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, मेन एक्सिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, और क्या आपको नजर आ रहा है, और नजर ये आ रहा है कि फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पॉइंट और ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। सो फ्लावर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, क्या पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट से फ्लावर ओरिजिनेट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, ओके।
अब मैं आपको ये बताऊं, जो स्टार्टिंग में कहा था कि मैं मोटे मोटे अक्षरों में आपको कहता हूं ये पेडांकल है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पेडांकल अलग है, पेडांकल अलग है और पेडिसेल अलग है। पेडांकल दैट होल्ड्स द पेडिसेल, फ्लावर का ही पार्ट है, पेडांकल होल्ड पेडिसेल। और पेडिसेल होल्ड फ्लावर। अब आपके पास ये पिक्चर क्लियर हो रहा है, एक है पेडांकल दैट होल्ड्स द पेडिसेल, दूसरा है पेडिसेल होल्ड्स द फ्लावर। अब किसी किसी कंडीशन में आपकी पेडांकल और पेडिसिल जो है वो एक ही हो जाते हैं, क्या बताओ? पेडांकल और पेडिसिल किसी किसी कंडीशन में एक ही हो जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, इन सम टाइम्स, इन सम फ्लावर्स, इन सम फ्लावर पेडांकल इज इक्विवेलेंट टू पेडिसिल, दोनों एक ही है पेडिसिल। जैसे एग्जाम्पल के बात करो, जैसे रोज की बात करो, रोज, उसके बाद करो हिबिस्कस। मैं दो ही एग्जाम्पल आपको बताता हूं, इस कंडीशन में पेडांकल पेडिसिलेट आपको अलग से नजर नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन बहुत सारे और फ्लावर है जिसमें पेडांकल अलग है, इसमें देखो ये है पेडांकल, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द पेडांकल, ये पेडिसिल है, ये पेडिसेल है, और ये जो है ये है पेडांकल, ये क्या है? पेडांकल। अगर किसी, आप थोड़ा सा आपकी गार्डन में जाओ और गार्डन में घूमता हुआ अगर आप दो चार फ्लावर की थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप पेडांकल एंड पेडिसिल को प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख पाओगे, और ये देखना जरूरी है, ये बॉटनी को समझने के लिए ये चीज देखना प्रैक्टिकली जरूरी है। सो गो टू द गार्डन, आज से पड़ोस में गाच पेड़ पौधे है, उसमें फ्लावर्स हुआ है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजंट मैटर, लेकिन उसमें जाके आप थोड़ा सा देखो कि उसमें पेडांकल कौन सा है, पेडिसिल कौन सा है, किसमें आपकी रेस्मोस नजर आ रहे हैं, किसमें आपकी साइमोस टाइप की प्लांट नजर आ रहे हैं, फाइलोटैक्सी भी थोड़ा सा देखो, अरेंजमेंट ऑफ लीफ किस तरह का है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो। सो आज की क्लास यही कंप्लीट होता है, थैंक यू स्टूडेंट।